सो वॉट इज द स्टोरी बोर्ड यू डोंट नो, कोई बात नहीं हम बता देते हैं फिर विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सोलर वेलकम बैक। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि वॉट इज स्टोरी बोर्ड। तो बेसिकली स्टोरी बोर्ड आपकी इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन मीन्स कि आपका सीन कैसा फ्रेम और शूट होने वाला है विद द हेल्प ऑफ स्टोरी बोर्ड। तो आगे हम सिर्फ और सिर्फ तीन ही पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, हाउ टू यूज, हाउ टू मेक एंड इट्स इम्पोर्टेंट टू मेक। नंबर वन, हाउ टू यूज। इसको यूज करना इतना आसान है, इतना आसान है कि बात ही छोड़ दो। तो स्टोरी बोर्ड को यूज करके सबसे पहले आपको 70-80% आपसे पहले ही पता चलेगा कि आप सीन कैसा, कहाँ और क्यों शूट करने वाले हो और उसका आउटपुट कैसा दिखने वाला है। इसको आते हैं हाउ टू यूज़ में। अब हाउ टू यूज़ ये है कि स्टोरी बोर्ड का आप लोग देखोगे जैसा फ्रेम है आप लोग वैसे ही अपना कैमरा प्लेस करोगे, जैसे उस पर लिखा होगा टिल्ट शिफ्ट पैन रोल जो भी है उसी दौरान उसी तरीके से मीज आप अपना कैमरा मूव करोगे, पैन करोगे, टिल्ट करोगे, रोटेट करोगे, ठीक है। तो मुझे आपको पता लग गया कि आपका सीन कैसा आने वाला है और कैसा नहीं आने वाला है। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू मेक। अभी मेरी आवाज़ में थोड़ी एको आ रही होगी क्योंकि दरवाज़ा बंद है और एकॉस्टिक पैनल से तो थोड़ी सी कम है और बाहर थोड़ी खटखट हो रही है तो मैंने थोड़े से लेवल चेंज किए हुए हैं। इसको बनाना काफ़ी ही ज़्यादा आसान है अगर आप लोग इंटरमीडिएट से हो, मेरे को अपना ही काम कर रहे हो, मैं इसको प्रोफेशनल लेवल का काम नहीं कर रहे इस समय। तो आप लोग एक A4 साइज़ का पेपर ले सकते हो, उसमें 9 बॉक्सेस बना के खुद ड्रॉ कर सकते हो और अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से देख सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, लिख सकते हो कि आपका सीन कैसा आने वाला है, आपने क्या सोचा है अपने सीन के लिए। तो अगर आप थोड़ा प्रोफेशनली काम कर रहे हो या प्रोफेशनली अपनी कोई शॉर्ट फिल्म मूवी या वेब सीरीज ऐसे कुछ बना रहे हो या कि म्यूज़िक वीडियो भी कर रहे हो भैया, मैं रेकमेंड करूँगा फोटोशॉप में जाके ही कर लो तो बेस्ट रहेगा। सो इट्स द थर्ड पॉइंट जो कि है लास्ट पॉइंट, दिस द थर्ड पॉइंट कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेक। तो मेरी मानो तो यस इट्स इम्पोर्टेंट टू मेक क्योंकि इट्स सेव योर लॉट्स ऑफ टाइम ब्रो, इट्स सेव योर लॉट ऑफ ट्राइंग तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचाने वाला है क्योंकि जब आपको पहले ही पता चल गया कि आपने कैसा सीन लेना है तो आपको ऑन लोकेशन पे जाके ये टेंशन ही भूल जानी है कि भैया अब इस लोकेशन पे आगे हम लोग खड़े हो चुके हैं, अब कौन सा सीन लेना है, कौन सा शॉट है, कैसे क्या करने वाला है, कैसे फ्रेम करें। जब आपने पहले ही लोकेशन देख चुके हो, आप पहले ही सब कुछ कर चुके हो तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचने वाला है। अब जब इसको बनाना है आपने तब आपके दिमाग में सिर्फ दो चीज़ें होनी चाहिए कि आपका लोकेशन और आपका सीन आपने कैसा देखना है। अपनी लोकेशन के हिसाब से ही हमेशा इसको बनाना क्योंकि वो ज़्यादा इजी रहेगा आपको शूट के दौरान। तो आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक थी, आई होप आपको बढ़िया लगी होगी। तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं फिर ऐसे किसी बेहतरीन सी सवाल सही नई वीडियो में। ओके जी, सब्सक्राइब कर लेना यार। टिल देन गुड बाय।